एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे युवा संगम कार्यक्रम के तहत तेलंगाना के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के 45 विद्यार्थी उत्तराखंड पहुंचे और आईआईटी रुड़की के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के आह्वान को साकार करता युवा संगम कार्यक्रम युवाओं को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इसके जरिए एक दूसरे राज्यों की संस्कृति और इतिहास को भी जानने का मौका मिल रहा है। तेलंगाना के नोडल अधिकारी वी श्रीनिवासन ने बताया कि छात्रों का दल उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में धार्मिक स्थलों के साथ ही औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण करके वहां अपनाई जा रही तकनीकी के बारे में भी जानकारी हासिल करके स्वरोजगार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। So that is the reason why they could perform well here, and also they could represent Telangana culture, how the dresses will be there, dresses would be there in Telangana, and also what are the festivals are there, like Batakamma festival, Samakka Saraka Jatara, where 4-5 lakhs people in one day they will come. So this will be conducted in once in 2 years. So that is a famous festival. And Batakamma festival every year during the Dasara we celebrate 9 days. So they have performed here, and also they are going to perform here during the valedictory function also. आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर मुकेश बैरवा का कहना है कि युवा संगम कार्यक्रम के तहत तेलंगाना राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड भ्रमण पर आया है। तेलंगाना के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये बच्चे आए हैं, और जैसा कि आपको मालूम है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो युवा संगम पार्ट टू जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें 5 पैरामीटर्स पे बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। उसमें है कनेक्ट टू कनेक्ट पीपल, उसमें है डेवलपमेंट दैट इज प्रौद्योगिकी, उसमें तीसरा है टेक्नोलॉजी, फिर है आपका ट्रेडिशन और टूरिज्म। तो इन 5 एरियाज पर बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, इंडस्ट्री विजिट करेंगे, धार्मिक जितने भी स्थान हैं उत्तराखंड के उनको विजिट करेंगे,